रिजल्ट से शुरुआत करूंगी, एक तो एचसीएल टेक और साथ ही एचडीएफसी लाइफ निफ्टी में, तो एसीसी और निप्पॉन लाइफ एएमसी वायदा बाजार में अपने नंबर्स आज पेश करेंगे। ट्रिगर, सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले की सुनवाई पर फोकस है, दो एजीएम होने वाली, एचडीएफसी लाइफ की ईजीएम 3 बजे और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की ईजीएम होने जा रही है, जिस पर हमारी नजर होगी। कल नतीजों के लिहाज से निफ्टी में बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स के नंबर्स, वहीं वायदा बाजार में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स पर फोकस है। कल सिंगापुर के बाजार बंद रहने वाले हैं। तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ कल बंद होगा, प्राइस बैंड जिसका 173 से 183 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं दीपक नाइट्राइट और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 21 जुलाई के दिन यानी बुधवार को निफ्टी में बजाज फिनसर्व, वायदा बाजार में हैवेल्स और जुबिलियंट फूड के नंबर्स पर नजर रहेगी। इस दिन ईद के मौके पर भारतीय बाजार और बैंक बंद रहेंगे। वहीं शक्ति पंप्स नतीजों के साथ 1000 करोड़ जुटाने पर एक फैसला होगा, बोर्ड बैठक पर फोकस रहेगा। वहीं केसुराम इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर फैसला करेंगे। तो बुधवार तक के इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स देखिए, सबसे पहले तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि अभी अभी जो फ्लैशेस आ रहे हैं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे काफी सारे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबसे पहले तो DRI इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कुछ एंटिटीज की, अडानी ग्रुप की, जहां पे IT एडमिनिस्ट्रेशन लॉस के अंडर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और दूसरी जो खबर आई है वो ये है कि सेबी इस ग्रुप की कंपनी जो है उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रेगुलेशंस के कंप्लायंस को रिलेटेड इश्यूज है जिनके ऊपर ये जो पूरे इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। जो यू नो जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में ये बयान दिया है, तो उसका इंपैक्ट आप सभी के सभी अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे देख रहे हैं। अभी तक इतनी खबर निकल के आई है और अगर कुछ आती है तो मैं उसका आपको जरूर अपडेट दूंगा, लेकिन अभी तक ये खबर जो है वो रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग दोनों से निकल के आई है। इसके अलावा CDSL, यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर है कि LIC की जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए IPO में अलॉटमेंट जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। LIC में IPO की पब्लिक शेयर होल्डर जो है उनके लिए हिस्सा रिजर्व रखा गया है, करीब 10% के आसपास का रिजर्व हिस्सा रखा गया है। कंपनी ने योग्य जो पॉलिसी होल्डर्स है उनका डेटा बनाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते ज्यादा इंपैक्ट जो है वो CDSL जैसे स्टॉक्स पे देखने मिलेगा, आपको BSE जैसे स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए स्टॉक्स आज बजिंग भी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि सरकार SCI में पूरा हिस्सा बेचना चाहती है और कुछ ही हफ्तों में यहाँ पे जो फाइनेंशियल बिड्स है उनको मंगवाया जाएगा। स्वराज इंजन, यहाँ पे नतीजे आए हैं, मुनाफा 8 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ हुआ है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रहा है, 33 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़। मार्जिन साल दर साल 11% से बढ़कर 15%, क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 15.1% गिर के 15% पे आए हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट दिया है, ग्रॉस लोन जो है उसमें 16% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, कुल डिपॉजिट में भी 16% की बढ़ोतरी हुई है। कासा रेशियो जो है 15.4% से बढ़कर 16.2% पे आया है। मारुति और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे दोनों ही कंपनियों ने करार किया है, डीलर फाइनेंसिंग के लिए करार किया गया है। डेल्टा कॉप, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि गोवा में जो कैसीनोज है 26 जुलाई तक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि गोवा ने अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। PNB हाउसिंग, यहाँ पे SAT ने SEBI और PNB हाउसिंग की जो दलील है उसमें पूरी हुई है, SAT ने अपना फैसला जो है वो फिलहाल सुरक्षित रखा है। MNM, खबर यह है कि कुछ 600 गाड़ियां हैं जिनके इंजन पार्ट्स की जांच जो है वो एक कंपनी करने वाली है, कुछ फ्यूल में प्रॉब्लम की वजह से ये जांच की जा रही है। LNT कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर मिला है 1000 से 2500 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा वीनस रेमेडीज में प्रमोटर्स ने अपना जितना गिरवी रखा हिस्सा था उसको पूरा छुड़ा लिया है। LIC ने कहीं स्टॉक्स बेचे कहीं खरीदे हैं। बजाज ऑटो में LIC ने हिस्सा बढ़ाया है 7.95% से बढ़कर 8.33। SBI लाइफ ने भी हिस्सा बढ़ाया है, SBI म्यूचुअल फंड ने। हेवेल्स में LIC ने हिस्सा जो है घटाया है 4.86% से घटकर 4.17%। नैल्को में LIC ने हिस्सा घटाया है। इसके अलावा वोल्टास में भी हिस्सा जो है उसको बढ़ाया गया है 4.82% से बढ़ा के 5.09% किया गया है। और कुछ ही देर पहले इंडियन बैंक के भी नतीजे आए हैं, NII जो है 399 करोड़ पे आया है जबकि पिछले साल एक क्वार्टर में 3874 करोड़ पे था। मुनाफा 370 करोड़ से बढ़ के 1180 करोड़ के आसपास आया है। कंपनी के जो ग्रॉस NPA है 9.85 से घटकर 9.69% के आसपास आए हैं।